कैंसर के पेशेंट को बेस्ट हेल्थ के लिए किस तरह का खाना खाना चाहिए? क्या कैंसर का पेशेंट शुगर का सेवन कर सकता है? क्या कैंसर का पेशेंट फ्राइड या ऑयली चीजें खा सकता है? क्या कैंसर का पेशेंट एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन लेके अपने कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम कर सकता है? आपके इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो दोस्तों, हमारे ओपीडी में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कैंसर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हुए हमसे पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पर्पस है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे सवाल आंसर करना। जैसे कि नंबर वन, कैंसर मरीजों में वेट लॉस क्यों होता है और कैसे होता है? नंबर टू, कैंसर के मरीज को कितने खाने की आवश्यकता है यानी कैंसर में डाइटरी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर थ्री, कैंसर के पेशेंट में खाना कैसे प्रिपेयर करना चाहिए यानी खाने को कैसे बनाना चाहिए? नंबर चार, कैंसर में कितने मील दिन में लेने चाहिए यानी आदमी को दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? नंबर पांच, क्या कैंसर के पेशेंट को स्पेशली वो जो कीमोथेरेपी पे है कच्ची चीजें जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलाउड है? नंबर सिक्स, कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कौन सी डाइट होती है और जो कैंसर के पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं उनमें इम्यूनोथेरेपी का काम करने का इफेक्ट मैक्सिमाइज कैसे किया जाए? नंबर सेवन, क्या कैंसर का पेशेंट शुगर का सेवन कर सकता है? क्या शुगर खाने से कैंसर बढ़ने का रिस्क है? और नंबर एट, क्या कैंसर का पेशेंट मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट ले सकता है और क्या इनसे दवाई का साइड इफेक्ट कम होता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सारे टॉपिक एक एक करके डील करेंगे और इन सबका जवाब आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कैंसर में वेट लॉस क्यों होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैंसर में वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इनफैक्ट कई पेशेंट हमारी ओपीडी में सिर्फ वेट लॉस की कंप्लेंट लेके आते हैं और बाद में पता चलता है उनको कैंसर की बीमारी है। कैंसर में वेट लॉस के कई सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को पेट का इसोफेगस का कैंसर है तो खाना नीचे नहीं उतरता जिससे वेट लॉस होता है। किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो उसमें खाना ठीक से हजम नहीं होता। किसी को आंत का कैंसर है तो पेशेंट को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे डाइटरी इंटरफेरेंस हो सकता है, या पेशेंट को दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिससे उसकी डाइट इफेक्ट होती है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वेट लॉस इन कैंसर, कैंसर कैचेक्सिया यानी कैंसर हॉर्मोन होता है। ये इस टर्म का मतलब ये होता है कि जब बॉडी में कोई भी कैंसर होता है तो वो वेरियस हार्मोन ब्लड में छोड़ता है जिससे कि आदमी की भूख मर जाती है, आदमी का वेट लॉस और मसल लॉस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैंसर पेशेंट में एक स्पेशल तरह का वेट लॉस होता है जिसमें मसल्स जैसे कि हाथ के और टांगे पतली हो जाती है, परंतु जो फैट है जैसे कि बेली का फैट है वो मेंटेन रहता है। तो ये कॉमन कैंसर का हॉलमार्क है और कॉमनली ये कैंसर से रिलीज हुए हॉर्मोन्स की वजह से होता है। इसी का रीजन ये है कि जैसे ही कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होता है, चाहे ऑपरेशन करके बीमारी को बॉडी से बाहर निकाला जाए, चाहे कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी से बीमारी को रोक लिया जाए, इमीडिएटली ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है और पेशेंट का वेट गेन होता है और मसल मास भी गेन होता है। इनफैक्ट कैंसर के पेशेंट को हर विजिट में हम वेट केयरफुली चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि उस पेशेंट में दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही। और इन जनरल यदि ऑन ट्रीटमेंट कैंसर पेशेंट का वेट कम होता जाए तो ये एक अर्ली साइन होता है कि शायद उसकी ट्रीटमेंट उसमें हेल्प नहीं कर रही। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैंसर के पेशेंट में डाइटरी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो जब कोई नॉर्मल आदमी जैसे आप या मैं है जिनको कोई बीमारी नहीं है उनमें हम डाइट कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, जो कि बॉडी को एनर्जी और प्रोटीन प्रदान करते हैं ताकि बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहे। और कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी में कैलोरीज के रूप में गिने जाते हैं और प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन के ग्राम्स के रूप में गिने जाते हैं। तो इन जनरल एक नॉर्मल हेल्दी आदमी की डाइट में रिक्वायरमेंट 25 से 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करीबन 1 ग्राम पर केजी पर डे होती है। और कैंसर के पेशेंट में चूंकि कैंसर बॉडी को अंदर से खा रहा होता है ये रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अप टू 40 किलो कैलोरी पर केजी पर डे और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अप टू 1.5 और कुछ पेशेंट में इवन 2 ग्राम पर केजी पर डे हो सकती है। आइडियली जब आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट चले
आपको अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से ये जरूर डिस्कस करना चाहिए कि पेशेंट की प्रोटीन कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है और ये कैसे अचीव की जाए। इसीलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में डाइटिशियन एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जो आपको एक अच्छा डाइट चार्ट बनाकर दे सके। स्पेशली दोस्तों जो इंडियन डाइट्स है उसमें प्रोटीन कम होता है, क्योंकि अनलाइक वेस्टर्न डाइट्स हमारी डाइट मेनली वेजिटेरियन डाइट होती है और वेजिटेरियन फूड में जनरली प्रोटीन की मात्रा कम होती है। हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वो हाई प्रोटीन फूड्स खाएं, जैसे दाल, पनीर, सोयाबीन, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें अंडा और नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करना चाहिए ताकि हेल्थ मेंटेन रहे और जो प्रोटीन कैंसर की वजह से बॉडी से लॉस हो रहा है वो प्रोटीन बॉडी को वापस मिले। जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है वो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए वेरियस प्रोटीन सप्लीमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमने आंकड़े आपको शुरू में बताए, इतना प्रोटीन बॉडी को मेंटेन और हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है कैंसर के पेशेंट्स में। तो दोस्तों नंबर थ्री क्वेश्चन ये है कि कैंसर के पेशेंट का फूड कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे पेशेंट को देना चाहिए। तो दोस्तों कुछ बेसिक हिदायतें होती है जो हम कैंसर पेशेंट को देते हैं जब उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में यदि पेशेंट को कोई भी इंफेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट उसका रुक सकता है, खासकर वो पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे होते हैं उनमें कीमोथेरेपी भी रुकना पड़ेगा और एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो पेशेंट जिनमें टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी चल रही है उसमें जो ट्रीटमेंट है उसके इफेक्ट से इंटरफेरेंस हो सकता है और दवाई भी बीच में होल्ड करनी पड़ सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट में इंफेक्शन अवॉइड की जाए। तो हमारा फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये होता है कि खाना पेशेंट का हाइजीनिक हो, यानी साफ सुथरा हो। हम बाहर का खाना पेशेंट को अलाउ नहीं करते, हमारा सजेशन ये रहता है कि पेशेंट घर का बना हुआ खाना खाए जो बाकी लोग खा रहे हैं। हम कल का बना हुआ खाना आज खाने से हम मना करते हैं, क्योंकि ओवरनाइट खाने में इंफेक्शन हो सकता है। तो जरूरी है कि जो भी खाना पेशेंट खाए फ्रेशली कुक्ड हो और अच्छे टेम्परेचर पे कुक्ड हो ताकि उसमें जो भी कीटाणु हो वो खत्म हो जाए। यदि पेशेंट जूस पीना चाहता है तो जूस अलाउड है, पर जैसे हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे या तो वो घर पे निकाला हुआ जूस होना चाहिए या सिंगल यूज टेट्रा पैक होना चाहिए जिसको एक बार इस्तेमाल करके ढक्कन को रीसील ना करके वो डब्बे को फेंक दिया जाए ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। साथ ही कोई भी जो पेशेंट वाटर लेता है वो क्लीन होना चाहिए, चाहे वो फिल्टर हो, चाहे उबला हो या आरओ से हो। एक इंपॉर्टेंट राय जो हम पेशेंट को देते हैं वो ये देते हैं कि वो ज्यादा स्पाइसी खाना ना खाए, क्योंकि ज्यादा स्पाइसी खाना कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इंटेस्टाइन को इरिटेट कर सकता है जिससे कि पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट को हल्का फुल्का लेस स्पाइसी फूड खाना चाहिए। फ्राइड फूड पेशेंट को अलाउड है, और विद इन बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं बट विद इन लिमिट्स पेशेंट ऑयली फूड या फ्राइड फूड ऑन ओकेजन एंजॉय कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट हिदायत है कि जिन पेशेंट को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें अपना बीपी और शुगर के हिसाब से ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, यानी कि बीपी वाले मरीजों को नमक कम लेना चाहिए और शुगर वाले मरीजों को डाइट में शुगर कम लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये डिस्कस करना चाहेंगे कि कैंसर के पेशेंट को दिन में कितनी बार मील लेना चाहिए। तो दोस्तों कैंसर में कई बार ये होता है कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर पेशेंट एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकता। तो जैसे आप या मैं यूजली मे बी दिन में तीन बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके मील कर सकते हैं, परंतु कैंसर पेशेंट के लिए जनरली ये रूल होता है कि उनको हर दो या तीन घंटे में थोड़ा 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 करके खिलाते रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। तो पेशेंट जिनकी एपेटाइट अच्छी है उन्हें तीन बड़े और तीन से चार छोटे मील दिए जा सकते हैं, और जिन पेशेंट की एपेटाइट कम है उन्हें मल्टीपल स्मॉल मील्स थ्रू द डे दिए जा सकते हैं ताकि उनकी प्रोटीन और कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या कैंसर का पेशेंट स्पेशली वो जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं कच्ची चीजें खा सकते हैं जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जवाब है हाँ, यानी कैंसर पेशेंट को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पूरी तरह अलाउड है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था जिसमें ये माना जाता था कि जिन पेशेंट्स का इम्यूनिटी कम करने वाली ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी चल रही है उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलाउड नहीं है, पर मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि इन कच्ची चीजों का अवॉइड करने से आदमी का प्रोग्नोसिस इंप्रूव नहीं होता। तो करंट गाइडलाइंस जो इंटरनेशनल लेवल में फॉलो होती है वह फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अलाउ करती है, परंतु इंपॉर्टेंट है इनको अच्छी तरह धो के पानी से और छिलका उतार के फ्रेशली सेवन किया जाना चाहिए। यदि आप जूस पीना चाहते हो तो फ्रेश फ्रूट को लीजिए, धोइए, छिलका उतारिए और उसका जूस निकाल के फ्रेशली पीजिए, या फिर जैसे पहले बताया सिंगल यूज टेट्रा पैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि पेशेंट की इम्यूनिटी डाइट से हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इम्यूनिटी ना केवल पेशेंट को ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट झेलने में हेल्प करता है, पर वो कैंसर से लड़ने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपने हमारे इम्यूनोथेरेपी वाले वीडियो में देखा होगा, कुछ ट्रीटमेंट ऐसी है जो बॉडी की इम्यूनिटी को ही हार्नेस करके बीमारी से लड़ती है। और रिसेंटली साइंस ने यह पाया है कि बॉडी का माइक्रोबायोम इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन बैक्टीरिया के चेंज होने से बॉडी की इम्यूनिटी चेंज हो जाती है। इसलिए गुड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर इम्यूनिटी, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन पे है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली डाइट के क्या कॉम्पोनेंट है? नंबर वन, इम्यूनोजेनिक डाइट में नेचुरल फूड का रोल इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल फूड। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल फूड में आता है कोई भी खाना जो एक फैक्ट्री में बनता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, केक, बिस्किट, प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड मीट, ये सारे फैक्ट्री मेड फूड्स हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को फॉल कम करते हैं और इम्यूनोथेरेपी के इफेक्ट से इंटरफेयर करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा एक नेचुरल हेल्दी डाइट ले जिसमें फैक्ट्री मेड फूड्स का सेवन कम से कम हो। नंबर टू, फाइबर। तो देखा गया है कि फाइबर एक ऐसी चीज है जो बॉडी की माइक्रोबायोम को मेंटेन और प्रमोट करती है, जिससे कि खासकर जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी पे है उनमें रिस्पॉन्स रेट में फायदा होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट एक हाई फाइबर डाइट ले। तो जो पेशेंट की नेचुरल, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर कैंसर में हाई फाइबर डाइट पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और कुछ केसेस में पेशेंट नेचुरली हाई फाइबर डाइट जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स एक्सेट्रा का सेवन कर सकता है, और कुछ केसेस में पेशेंट को फाइबर सप्लीमेंट जैसे इसबगोल पाउडर इत्यादि का इस्तेमाल करके अपने फाइबर की रिक्वायरमेंट्स अचीव कर सकता है। देखा गया है कि हाई फाइबर डाइट पेशेंट की इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने में हेल्प करता है, बाउल को रेगुलेट करता है, और इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स का इफेक्ट बढ़ाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कैंसर में इम्यूनिटी में हेल्प करता है वो है एंटासिड ड्रग्स। तो दोस्तों ये फैक्ट स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जो वेरियस इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स पे है। देखा गया है कि एंटासिड ड्रग्स जैसे पेंटोसिड, पेंटॉप, रैबलेट, राजो, एसोमेप्रेजोल एक्सेट्रा बॉडी के माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन पे है उन्हें कम से कम इस तरह की दवाइयों का सेवन करना चाहिए और उन्हें एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करें कि आप यदि किसी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग पे है तो इन ड्रग्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो वेरी वेरी कॉमनली ओपन में पूछा जाता है कि क्या शुगर का सेवन करने से कैंसर की बीमारी बढ़ती है और क्या हमें शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसके ऊपर कई बार रिसर्च भी हो चुकी है। इस क्वेश्चन का ओरिजिन इस फैक्ट से है कि कैंसर के जो सेल है वो अपना न्यूट्रिशन मेनली शुगर से लेते हैं, जिसको वॉरबर्ग फिनोमेनन बोलते हैं। तो इसीलिए कई लोगों का मानना है कि बॉडी में यदि हम शुगर नहीं लेंगे तो कैंसर सेल स्टार्व हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसके ऊपर कई लोगों ने रिसर्च किया हुआ है एंड सो फार रिसर्च ने शो किया है कि शुगर अवॉइडेंस कैंसर का प्रोग्नोसिस नहीं इंप्रूव करता। इसका मेन रीजन ये है कि बॉडी के अपने क्रिटिकल ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा को भी शुगर का रिक्वायरमेंट है और इनकी वर्किंग के लिए भी शुगर बहुत जरूरी है। इसीलिए अननेसेसरी शुगर अवॉइडेंस ना प्रैक्टिस करें अनलेस आप डायबिटिक हो। आप शुगर अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कैलोरी रिक्वायरमेंट। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट से पेशेंट की कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और पेशेंट उसकी वजह से अपनी हेल्थ खोने लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो कॉमनली मुझसे ओपीडी में पूछा जाता है वो ये है कि सर आप मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों नहीं मुझे दे रहे थे, मैंने सुना है कि इससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही न्यूएंस्ड है। क्या देखा गया है कि कुछ ड्रग्स का काम करने का मैकेनिज्म या तो बॉडी का न्यूट्रिशन को कैंसर सेल की तरफ जाने से ब्लॉक करना है या ऑक्सीडेटिव इंजरी यानी फ्री रेडिकल या ऑक्सीजन इंजरी से कैंसर सेल को डैमेज करना है। तो क्या देखा गया है कि अगर आप इन ड्रग्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन दोगे तो दवाई का असर कम होगा, यानी जो दवाई हम पेशेंट को दे रहे हैं कोई असर पाने के लिए वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसका नेट रिजल्ट है कि कैंसर का बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट या कोई भी मल्टीविटामिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से बहुत केयरफुली डिस्कस करें,
क्योंकि कई मिनरल्स विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वेरियस एंटी कैंसर ड्रग से इंटरेक्ट करते हैं और सिर्फ वही ड्रग्स का इस्तेमाल करें जो आपके डॉक्टर आपको परमिट करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला हो और ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। काफी पॉसिबल है कि आपके इसके अलावा भी भाई कोई क्वेश्चन है जो हम आंसर नहीं कर पाए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सोशल मीडिया लिंक और स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों का आंसर आपको मिले। साथ ही आप नीचे कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का पर्पज है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे इंडियन पेशेंट्स को मिले ताकि वो एक हैप्पी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सके। तो यदि इस टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। सो धन्यवाद एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू।